तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक मेरे नए व्लॉग में, एक नए वीडियो में। जैसा कि आप मेरे पीछे जो मस्जिद देख रहे हैं, इस मस्जिद का नाम है बड़ा गुंबद मस्जिद और यह मस्जिद सिकंदर लोधी शासन में बनी हुई है। लोधी गार्डन में ये मस्जिद बनी हुई है। सन 1494 में इस मस्जिद का निर्माण सिकंदर लोधी के शासन में हुआ था और ये मस्जिद वीरान मस्जिद है। यहाँ पर कोई नमाज नहीं होती है, गवर्नमेंट के हिस्से में ये मस्जिद आती है। और इस मस्जिद की ये खासियत है, इस मस्जिद में आपको अंदर से लेके बाहर तक कुरान की आयतें ही देखने को मिलेंगी। अंदर भी कुरान की आयतें भी लिखी हुई हैं, बाहर मेहराबों में भी कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। तो इस वीडियो में बने रहें और मैं इस मस्जिद के बारे में आपको सारी जानकारी दूँगा, हिस्ट्री के बारे में बताऊँगा, स्ट्रक्चर के बारे में बताऊंगा, आप यहां पर कैसे आ सकते हैं बाय मेट्रो, सारी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलेगी। तो वीडियो में बने रहें और जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। तो दोस्तों देख सकते हैं, ये है लोधी गार्डन का मेन एंट्री गेट। लोधी गार्डन के लगभग 5 मेन एंट्री गेट हैं, लेकिन एक नंबर गेट से हम एंट्री करेंगे। और यहाँ पर दोस्तों कई मेनुमेंट बने हैं, लेकिन आज हम दिखाएंगे आपको बड़ा गुंबद मस्जिद जो लोधी गार्डन के अंदर बनी हुई है सिकंदर लोधी के द्वारा। दोस्तों पार्किंग की बात करें तो गेट नंबर 1 पर आपको पार्किंग मिल जाएगी, बिल्कुल निःशुल्क है, फ्री है। टिकट प्राइस की बात करें, टिकट यहाँ बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है, कोई टिकट एंट्री चार्ज नहीं लगता है। टाइमिंग की बात करें, सुबह 6 बजे से शाम के 8 बजे तक लोधी गार्डन खुला रहता है। नियर मेट्रो की बात करें, जोरबाग मेट्रो से आप 5 मिनट में पैदल भी यहाँ पर आ सकते हैं। तो दोस्तों चलते हैं अंदर, देख सकते हैं ये गेट है, मेन एंट्री गेट है। यहाँ से एंट्री करते हैं और एंट्री करते ही आपको एक बोर्ड दिखाई देगा, जिस बोर्ड पर यहाँ की टाइमिंग और कुछ नियम लिखे हुए हैं। देख सकते हैं सुबह 6 बजे से शाम के 8 बजे तक ये गार्डन खुला रहता है। काफ़ी खूबसूरत ये लोधी गार्डन है, यहाँ पर कई मोन्यूमेंट बने हुए हैं और यहाँ पर काफ़ी कई तरीके के आपको पेड़ पौधे पंछी दिखाई देंगे। और ये काफ़ी खूबसूरत लोधी गार्डन है, यहाँ पर कोई टिकट चार्ज नहीं लगता, बिल्कुल फ्री है, निःशुल्क है। दोस्तों लोधी गार्डन लगभग 90 एकड़ वर्ग क्षेत्र में बना हुआ काफ़ी खूबसूरत डेकोरेट किया हुआ लोधी गार्डन है। कई प्रकार के पेड़ पौधे पंछी यहां पर देखने को मिलेंगे। पिकनिक मनाने की बहुत ही अच्छी खूबसूरत जगह है, फ्री है, निःशुल्क है। और दोस्तों यहां पर कई मोन्यूमेंट बने हुए हैं, ख़ास तौर में आज आपको दिखाऊँगा लोधी गार्डन की बड़ा गुंबद मस्जिद। इस मस्जिद की खासियत है दोस्तों, इस मस्जिद में आपको अंदर से लेके बाहर तक कुरान की आयतें ही देखने को मिलेंगी और काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है। अफसोस की बात, ये मस्जिद वीरान है, यहाँ पर नमाज नहीं होती, ये गवर्नमेंट के हिस्से में आ गई है। और दूसरी चीज़, यहाँ पर कई फिल्में शूट हुई हैं, इसी मस्जिद के अंदर आमिर खान की फना मूवी का एक गाना भी शूट हुआ था दोस्तों। और मैं आपको मस्जिद के अंदर लेके चलता हूँ, अंदर दिखाएँगे, पूरी मस्जिद का दीदार कराएँगे, काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है। मस्जिद के बाहर यहाँ पर मस्जिद का बोर्ड लगा हुआ है, बड़ा गुंबद मस्जिद। यहाँ पर मस्जिद की कुछ बेसिक सी जानकारी लिखी हुई है, सिकंदर लोधी के द्वारा सन 1492 ईस्वी में इस मस्जिद का निर्माण कराया था सिकंदर लोधी ने। और लोधी वंश के दूसरे राजा हुआ करते थे सिकंदर लोधी। सिकंदर लोधी के पिता का नाम बहलोल लोधी। काफ़ी खूबसूरत लोधी कालीन का ये नायाब नमूना है ये मस्जिद। इस मस्जिद में अंदर से लेके बाहर तक कुरान की आयतों का आयतें लिखी हुई हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। चलते हैं अंदर मस्जिद के। देख सकते हैं ये है मस्जिद का मेन मेहराब, मेन मस्जिद की मेहराब है, एंट्रेंस मेहराब। और देख सकते हैं पूरी मेहराब जो है कुरान की आयतों से लिखी हुई है। सभी मेहराबों में कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, अंदर से लेके बाहर तक। मैं आपको अंदर भी दिखाता हूँ। देख सकते हैं आप अंदर भी कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, बहुत ही अच्छी कलाकारी से सन 1494 ईस्वी में इस मस्जिद का निर्माण हुआ था, सिकंदर लोधी के शासन में इस मस्जिद का निर्माण हुआ था।
बहुत ही खूबसूरत नायाब लोदी कालीन का ये नमूना है। इस मस्जिद का नाम है बड़ा गुंबद। तो मैं आपको इसका पूरा वीडियो दिखाता हूँ। बड़ा गुंबद मस्जिद की 5 मेहराबे हैं, देख सकते हैं आप। और 5ों मेहराबे में आपको कुरान की आयतें ही देखने को मिलेंगी। और ऊपर देख सकते हैं आप 3 गुंबद बने हुए हैं। और जो मेहराब का मेन एंट्री गेट है, जो बीच की मेहराब, पूरा छज्जा आपको कुरान की आयतों से लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा। बड़ी खूबसूरत तरीके से यहाँ पर कुरान की आयतों को लिखा गया है, दर्शाया गया है। और काफ़ी माशाल्लाह अच्छी मस्जिद लग रही है। लेकिन अफसोस की ये बात है कि इस मस्जिद में नमाज़ नहीं होती, ये वीरान है। यहाँ पर लोग ज़्यादातर वीडियो, रील्स, डांस वगैरह करते हैं। और यहाँ पर आमिर खान की एक फिल्म का गाना भी यहाँ पर शूट किया गया था इसी मस्जिद के अंदर। और देख सकते हैं कितनी बारीकी से यहाँ पर, ये 600 वर्ष पुरानी मस्जिद है। 600 वर्ष पहले यहाँ पर ये कुरान की आयतें लिखी गई हैं। कहीं कहीं पर आज कुरान की आयतों के अक्षर छूट गए हैं। देख सकते हैं कितनी खूबसूरत नायाब नमूना है लोदी कालीन का। आगे की 5ों जो मेहराबे बनी हुई हैं, दर बने हुए हैं, 5ों की 5ों मेहराबों में आपको कुरान की आयतें ही देखने को मिलेंगी। कितनी खूबसूरती से उकारा गया है कुरान की आयतों को, क्या कारीगरी है 600 वर्ष पुराने लोगों ने, कितनी कारीगरी से यहाँ पर देख सकते हैं लिखा है, कितनी बारीकी से। काफ़ी खूबसूरत ये मस्जिद है। और मैं आपको मस्जिद के अंदर भी लेके चलूँगा, अंदर भी कुरान की आयतें, पूरी मस्जिद में आपको कुरान की आयतें ही देखने को मिलेंगी। अंदर भी लिखी हुई हैं, काफ़ी खूबसूरत है। और ये कहीं कहीं पर जर्जर भी हो गई है, छूट चुके हैं अक्षर, देख सकते हैं आप। और काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है। अब मैं आपको देर ना करते हुए मस्जिद के अंदर लेके चलता हूँ। देख सकते हैं ये जो आप सामने लाल पत्थर की बनी हुई जो मेन मेहराब है, यहाँ पर किसी समय किसी दौर में इमाम साहब खड़े होकर नमाज़ पढ़ाया करते होंगे। देख सकते हैं ये लाल पत्थर की बनी मेहराब काफ़ी खूबसूरत मेहराब है। और इसके ऊपर ही आपको दिखाई देंगी कुरान की आयतें। मैंने आपको पहले ही बताया है कि पूरी मस्जिद में अंदर से लेके बाहर तक कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। देख सकते हैं ये गुंबद कितनी खूबसूरती से इस गुंबद को बनाया है। और गुंबद के बीच में भी कुरान की आयतें लिखी हुई हैं। और यहाँ पर जितने भी मस्जिद के अंदर दर बने हुए हैं, दर के अंदर भी आपको कुरान के अक्षर, कुरान की आयतें लिखी हुई हैं, देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत मस्जिद है दोस्तों। मैं वीडियो बना रहा हूं लेकिन बिल्कुल मन नहीं कर रहा है कि वीडियो का एंड करूं। जिधर कैमरा घुमाऊं उधर कुरान की आयतें ही नज़र आ रही हैं। और यहां पर काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे। मैं सुबह में आया यहाँ पर लगभग 6 बजे, तो यहाँ पर कोई था नहीं। ज़्यादातर लोग सुबह में यहाँ पर पार्क में टहलने आते हैं। और सुबह के बाद में लगभग 8-9 बजे के बाद में यहाँ पर काफ़ी लोग आ जाते हैं। और फिर यहाँ मस्जिद में यहाँ पर वीडियो, रील, डांस वगैरह सभी कुछ होता है।
दोस्तों काफ़ी मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आने जाने में, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर आपको वीडियो मेरा अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अब मैं आपको मस्जिद के बाहर का हिस्सा दिखाता हूं, जो मस्जिद के बाहर देख सकते हैं, यहां पर एक छोटी सी लाल पत्थर की विंडो बन लगी हुई है जो मस्जिद के अंदर रोशनी पहुंचाती होगी, हवा पहुंचाती होगी। और देख सकते हैं इसके जो बुर्ज बने हुए हैं मीनार कोने पर, ये बिल्कुल कुतुब मीनार की हूबहू शक्ल से बने हुए हैं। और ये दो हैं, एक इस सीधे हाथ पर है, एक उल्टे हाथ पर। देख सकते हैं ये पीछे का बैक साइड का हिस्सा है, पीछे से काफ़ी जर्जर लग रही है मस्जिद। और देख सकते हैं पीछे का प्लास्टर जो है वो छूट चुका है, सिर्फ इसमें पत्थर ही पत्थर दिखाई दे रहा है। पीछे में आपको दो मीनार छोटे से दिखाई देते होंगे और काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी ऊंचाई पर बनी हुई है ये मस्जिद। देख सकते हैं काफ़ी नीचे में खड़ा हूँ और देख सकते हैं। दोस्तों आशा करते हैं आज का वीडियो आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा। ऐसे ही दिल्ली के मॉन्यूमेंट की हिस्ट्री जानने के लिए, दिल्ली में ट्रेवलिंग करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, ताकि आने वाले समय में बेहतर से बेहतर जानकारी के साथ, वीडियो के साथ, हिस्ट्री के साथ आपको वीडियो दे सकूँ, जानकारी दे सकूँ। ऐसे ही आपका प्यार बना रहे, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स, धन्यवाद।